क्या नाम था? बंटी सांवरिया। बंटी सांवरिया, हाँ। अगट्टी आपकी जो है 85 है, आपको सांस बिल्कुल भी नहीं भरना है, बिल्कुल नॉर्मल खड़े होना है। अभी फुलाओ, देखो अभी आपका कम फुला, तो आप पहले से सांस भर के खड़े हो गए, पहले से सांस नहीं भरना है, नॉर्मल सांस रखना है। अभी फुलाओ, अभी आपकी 5 फुली है, तो फुलाते समय आपको क्या बोला था, चेस्ट के पास से और पूरा मुंह और नाक से सांस खींचना है। किसे सांस खींचना है? नाक से सांस खींचना है। क्या है कि हमारे फेफड़े एक तरीके से किसकी तरह होते हैं, ब्लेडर की तरह होते हैं। किसकी तरह होते हैं? ब्लेडर की तरह। तो उसमें क्या हवा फूल जाएगी, तो क्या होगा, चेस्ट भर जाएगी। ठीक है, चलो बंटी शाबाश, बहुत बढ़िया। अभी जो है हाइट के लिए, जिसकी सबसे कम हाइट है वो इधर आओ। अभी हाइट का मेजरिंग आपको कैसे करवाना है, इधर आओ, यहां खड़े हो। जैसे मान लो अभी इसकी जैसे हाइट थोड़ा जिसका थोड़ा हाइट कम है, उसके लिए मैं 2-3 चीज बताता हूं, 3-4 बात की आप ध्यान रखना, कि जरूरी नहीं है कि इंसान के दिल में जज्बात होते हैं, और जज्बात तभी पूरे होते हैं तब वो उससे संबंधित सारी मतलब अपने आप पर काबू मतलब उसके ऊपर निछावर कर दे। जैसे फौज है, फौज की नौकरी, फौज को में आप जा रहे हो तो उसको नौकरी न समझे, वो एक देश सेवा है। और फौज में जिस दिन आपने वर्दी पहन लिया, समझ ले आपने जवाबदारियां अपने जिस्म से बांध लिया। बात समझ में आ गया, वर्दी पहनने का मतलब है जवाबदारी अपनी जिस्म से बांध लिया, आपको दी हुई जवाबदारी पर आप हमेशा अटल रहेंगे। जैसे कसम परेड में देते हैं ना कि मैं जल थल वायु और अग्नि से भी मुझे ड्यूटी सौंपी जाएगी तो मैं करूंगा। तो आपकी हाइट कम भी है तो कुछ आदमी, बहुत सारे आदमी होते हैं 10-20% जिनकी कुछ सेंटीमीटर हाइट कम होती है, और उनको पता नहीं होने के बाद में वो जो है मेजरिंग उनकी सही से नहीं करा पाते हैं। एक तो जब भी आप हाइट ना पाते हैं, आपका फिजिकल टेस्ट वगैरह आ जाता है, तो ये नॉर्मल मैं आपको चीज बता देता हूं कि बाल हैं अपने, बाल छोटे न कराएं, मीडियम रखें। बात समझ में आ गया, बाल छोटे कराने से क्या होगा कि जैसे हम नपाएंगे तो उसको कम से कम सूत पर बोलते हैं ना कि डूबते को किसका सहारा होता है, तिनके का सहारा होता है डूबते को। ये स्पेशल वीडियो उन भाइयों के लिए जिनको नहीं पता कि भाई हाइट के कौन कौन सी चीजें हैं, तो आप बाल बिल्कुल न कटाएं। उसके बाद जैसे ही बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो जैसे अभी अभी इसकी मुंडी देखिए, बहुत सारे सामने देखते हैं, सामने देखते हैं तो क्या है कि ये जो अपनी जो सिर का जो ऊपरी भाग होता है नीचे को झुक जाता है, और आप नीचे देखोगे तो कितना ऊपर आया कि नहीं आया। तो आपको जब भी आप चेस्ट का मेजरिंग कराते हैं, आपकी हाइट कम है, तो जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर या प्रेजेंटिंग पीओ आपकी हाइट नाप रहा है उसके जस्ट सीधा क्या करें, उसके पैरों के अंदर देखें। दूसरा, अपनी जो बॉडी है, अपनी बॉडी के अंदर हल्का सा क्या भरे, सांस भरे। अरे बात समझ में आ गया, जब तक आप नपाते हो तो हल्का सा उसके अंदर सांस भरे। सांस भरने से क्या है कि बॉडी के अंदर तनाव आएगा और कुछ सेंटीमीटर या कुछ पॉइंट में आपकी हाइट जरूर बढ़ेगी। जैसे आपकी हाइट का जैसे यहाँ ये जो है लगा दिया, लगाने के बाद आप कभी भी जो है सामने नहीं देखे। बात समझ में आ गया, सामने देखने से क्या होगा कि ये जो 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 इसके जो मेजरमेंट लगा है वो ऊपर को ही उठता है इतनी ज्यादा हाइट, और जैसे ही नीचे देखोगे आप मीडियम सर मतलब पैरों में देखोगे थोड़ा सा, तो ये जो हिस्सा है ये ऊपर उठता है। बात समझ में आ गया, तो आप जब भी हाइट नपवाते हो, हाइट नपाते समय 3-4 बातें हैं। एक तो आपने जो बाल हैं उनको बिल्कुल छोटे न कराएं, दूसरा जब आप हाइट नपवाते हो दोनों पैरों को एकदम सीधा मिला के खड़े हो, तीसरी हल्का सा शरीर के अंदर क्या है, सांस भरे। ठीक है, चौथा क्या है कि आपको थोड़ा सा हल्का सा नीचे देखना, ऊपर ऊपर नहीं देखना, सामने नहीं देखना है, हल्का जो है नीचे देखना है। जैसे अभी इस अभ्यार्थी की हाइट है 161, ठीक है, और इस तरीके से यदि नपाएगा तो 161 पॉइंट कुछ है, और ऐसे जैसे ऊपर देखने से कम हो जाती है और ऐसे देखने से फिर ऊपर आ जाती है। थोड़ा सा सांस भरो बॉडी के अंदर, ये हल्का सा मतलब जो आपका जो पीओ बोर्ड नाप रहा है उसको पता नहीं चलना चाहिए कि ये खींच रहा है। बात समझ में आ गया, चलो नेक्स्ट, जिसकी हाइट पूरी है वो आओ। चलो, क्या नाम है? प्रदीप। प्रदीप, जैसे अभी आपका जो हाइट नाप रहे हैं तो हाइट नापते समय आपको वही नीचे जो है देखना है। ठीक है, प्रदीप कहाँ से हैं आप? दसरापुर से। शाबाश, बहुत बढ़िया, ये हाइट से संबंधित बात है। अभी बात आ गई वेट की, कोई भी भर्ती के अंदर यदि आप जाते हो तो वेट होता है, वो वेट अपने शरीर के
बॉडी की हाइट के अनुसार जो है वेट का एक भारतीय स्वास्थ्य विभाग ने एक चार्ट बनाया है, उसके अनुसार आपका जो है वेट होना चाहिए। उससे ज्यादा वेट होता है तो किलो दो किलो वेट जो है चल जाता है। तो मैं ये पीएस टीम फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या क्या आ गया, हाइट, वेट और चेस्ट, ये सब है। तो अभी जल्दी जल्दी जो आएंगे हाइट वेट चेस्ट नापते नापते